इस वीडियो में मैं ट्रैवल करने वाला हूं ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर टू हैव वन ऑफ द बेस्ट बिरयानीज इन इंडिया। तो फिर पैकिंग शुरू करें। वैसे हैदराबाद में ठंड है क्या? Hey Siri, what's the temperature in Hyderabad? 30 degrees. बहुत गर्मी है भाई। मैंने ना 3 बिरयानी प्लेसेस शॉर्टलिस्ट किए हैं, बट अभी तो यार 2 घंटे की फ्लाइट भी है टू हैदराबाद। क्या करूँ यार, पेट में गुड़गुड़ होना अभी से शुरू हो गई है। गाइज, हैदराबाद में फाइनली मेरा टचडाउन हो चुका है एंड गाड़ी भी मिल गई है। अब लेट्स डू सम बिरयानी। द फर्स्ट प्लेस ऑन माय लिस्ट इज द पैराडाइज बिरयानी। यार ये लोग ना 1953 से बिरयानी सर्व कर रहे हैं एंड दे हैव सो मेनी आउटलेट्स इन हैदराबाद। तो सेकुंद्राबाद में ना एक सिनेमा था, वहां से ये पैराडाइज बिरयानी शुरू हुआ था। और जब मैं इनका मेन्यू देख रहा था ना, तो यार बिरयानी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें थी इनके मेन्यू में, और मैंने ऑलरेडी अपनी रॉयल चिकन और रॉयल मटन बिरयानी ऑर्डर कर दी है। और बिरयानी के साथ इन्होंने मुझे सालन और रायता भी दिया है। बस कंफ्यूजन यही थी कि यार पहले चिकन बिरयानी खाऊं या मटन बिरयानी खाई जाए। चिकन वाली ट्राई करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो जितना मुझे नजर आ रहा है ना, देखने से जो मैरिनेशन है ना मोस्टली और जो फ्लेवर है वो चिकन के पीस में है। बाकी आई डोंट थिंक राइस के अंदर कुछ ज़्यादा फ्लेवर है, मतलब खा के पता चलेगा। ओह या भाई, द चिकन हैज अ लॉट ऑफ फ्लेवर। और पता नहीं क्यों यार मुझे पंच आ रहा है सैफ्रॉन का। Also, the chicken was so well cooked, bone से ना एकदम melt होके गिर रहा था नीचे। Tender chicken, well marinated, बढ़िया वाले flavors, भाई सही है, मजा आ गया। वैसे मुझे लगा था कि मटन बिरयानी boneless होगी, वहाँ मेरा थोड़ा सा lol हो गया। देखो यार, इसके अंदर जो इन्होंने मटन और चिकन यूज किया ना अपनी बिरयानी में, that is quite मसालेदार, but in total बिरयानी में कितने कुछ मसाले नहीं है। और स्पाइसीनेस का अगर मैं बात करूं तो इट्स नॉट ऑन दैट हायर साइड ऑफ स्पाइसीनेस। बट कुछ भी कह लो यार, इनकी बिरयानी ने ना अपने पैसे तो देखो पूरे कर दिए। नेक्स्ट मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, इट इज अ वेरी आइकॉनिक एंड फेमस बिरयानी प्लेस, और यहाँ की भी भाई चिकन और मटन बिरयानी इज टॉप क्लास। यार अभी ना मैं आया हूँ बावर्ची पे, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, पैराडाइज से लेके यहाँ तक मैंने एटलीस्ट 20 से 25 बावर्ची रेस्टोरेंट स्पॉट किए हैं, और सब यही बोलते हैं कि बीवेयर ऑफ फेक बावर्चीज। तो भाई ओरिजिनल कौन सा है वो तो मुझे पता नहीं, बट एज पर गूगल ये RTC एक्स रोड वाला बावर्ची इज ऑथेंटिक, तो मैं वहीं पर ही आया हूँ। वैसे इस वाले बावर्ची के साइड में भी और आगे भी एक और बावर्ची है, तो आई एम होपिंग कि मैं सही जगह आया हूँ। और इनकी जो स्पेशल वाली चिकन और मटन बिरयानी है, मैंने दोनों ऑर्डर कर दिया है। और भाई मैं लिटरली अंदर घुसा और जहाँ तक नज़र पहुँच रही है ना मेरी, वहाँ तक बेंचेस लगे हुए हैं, एंड 4:30 बज रहे हैं अभी, और भाई 4:30 भी लोग यहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं। बताओ ये सीन है। बिरयानी के साथ ना इन्होंने वही सालन और रायता दिया है, एंड ऑनेस्टली देयर बिरयानी इज लिटिल ऑरेंज इन कलर। मतलब पैराडाइज की जो बिरयानी थी वो ऑलमोस्ट वाइट थी, इनकी बिरयानी थोड़ी ऑरेंज है। और जैसे ही मैं चिकन को तोड़ रहा हूँ ना, द चिकन इज लिटिल रोज इन कलर, थोड़ा गुलाबी गुलाबी है भाई इनका चिकन। ठीक है भाई, ट्राई करते हैं इनकी बिरयानी। ओह ओके, इनके जो बिरयानी वाले चावल है ना भाई, उसके अंदर भी फ्लेवर है। मतलब पैराडाइज वाले में फ्लेवर नहीं था, तो ये डिफरेंस लगा मुझे। मतलब इसके राइस में थोड़े थोड़े मसाले हैं, पर इतना ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। आई पर्सनली लाइक दैट स्पाइसियर बिरयानी, मेरी पर्सनल फेवरेट है भाई। लगे हाथ मटन वाली भी ट्राई कर ही लेता हूँ मैं। यार वैसे देखा जाए इनके पोर्शन साइज ना थोड़े ज़्यादा हैं, और इनकी बिरयानी थोड़ी सस्ती भी है एज़ कम्पेरिजन टू पैराडाइज बिरयानी। Oh nice, भाई the mutton is so soft. I mean जो मटन के मसालों की इंटेंसिटी है ना वो ज़्यादा हाई नहीं है। हाई क्या मतलब, मीडियम मीडियम है, आई थिंक मीडियम से थोड़ा लो है। यार एक बाइट ना सालन के साथ भी ट्राई कर ही लेता हूँ। ओके ओ भाई, इनका सालन का फ्लेवर थोड़ा अलग है, बट
यार मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सालन के साथ ना बिरयानी का पूरा फ्लेवर ही अलग हो जाता है। सही में मैं ना अपनी बिरयानी बिना सालन के ही खाना प्रेफर करूँगा, और मुझे नहीं लगता यार इसके बाद मेरे पेट में जगह बचने वाली है। तो अभी थोड़ी देर के लिए 2 times एंड फिर एक और बिरयानी स्पॉट तो यार बनता है, मतलब अब हैदराबाद आया हूँ तो बनता है। इतनी सारी बिरयानी बच गई है, ये सारी पैक हो रही है। यार थोड़ा थक गया हूँ मैं बिरयानी खा के। टास्क है यार, पहले ना मुझे किसी को ढूंढना है और इस बिरयानी को देना है, फिर मैं थोड़ी देर वॉकिंग करूंगा, अपने पेट में जगह बनाऊंगा, देन आई थिंक आई कैन पुल 1 more round ऑफ बिरयानी एट होटल शादाब। ठीक है फिर मिलते हैं। यार पता है क्या, आप लिटरली मानोगे नहीं, होटल शादाब में ना 30 minutes की वेटिंग चल रही थी भाई। मतलब मैं वहाँ पे 6:30 बजे गया था, आई थॉट मैं 6:30 बजे पहुँचाऊँ, कौन इस समय बिरयानी खा रहा होगा, बट भाई यहाँ के लोग क्रेजी हैं यार, सुबह से शाम तक सब बिरयानी खाते हैं। वेटिंग थी तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई बिरयानी ज़रूर लेके आया, तो लेट मी पोर आउट दिस बिरयानी, फिर आगे की बात करते हैं। वैसे यार मैं वहाँ पे 30 minutes वेट कर सकता था, बट यार शादाब होटल की वाइब पता कैसी थी, जैसे पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद है ना, छोटी छोटी गलियाँ, वो वाला सीन था यार वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा हॉकिंग थी। वो जो चार मीनार है ना उसके एकदम पास में था होटल शादाब, और यार बड़ी मुश्किल से मैंने गाड़ी लगाई थी, मतलब मैंने गाड़ी उल्टी सीधी जगह पार्क करी और मैं ऊपर गया, मैंने वहाँ पे पूछा कि यार आपकी जो बेस्ट बिरयानी है ना जो भी है मेरे लिए पैक कर दो, उन्होंने मुझे पैक करके दी, एंड हियर इज आर मटन बिरयानी फ्रॉम होटल शादाब। भाई दिखने में तो सही लग रही है, बट ऐसे कैसे, सीन तो यार खा के पता चलेगा। तो साथ में यार वही सालन वगैरह है, एंड इसके अंदर यार इलायची लौंग वगैरह सब कुछ है, और यार इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो थोड़ी सी अलग है, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट जो 2 बिरयानी मैं खा चुका हूँ ना उससे थोड़ी डिफरेंट आ रही है। इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह डाले हुए हैं, मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है। हियर इज माय बाइट एंड लेट्स टेक राइट इनटू इट। दिस इज माई काइंड ऑफ बिरयानी भाई, इसके अंदर से ना मसालों की इंटेंसिटी जो बाकी जो बिरयानीज मैंने खाई है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, डिफरेंट फ्लेवर्स, एंड यार तीनों में से ना इनकी बिरयानी मुझे बेस्ट लगी। और मैं आपको बता रहा हूँ यार लिटरली अभी ना मेरा बिल्कुल बिरयानी खाने का मन नहीं कर रहा, स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ कि यार ये वाली बिरयानी आज की बेस्ट बिरयानी थी, और अनफॉर्चुनेटली मैं पूरी तो ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, उन्होंने बहुत सारी बिरयानी मुझे पैक करके दी है। इनफैक्ट होटल शादाब का रहो हलीम है ना वो भी बहुत फेमस है, टाइम मिला तो मैं पक्का जाके खाऊंगा। बाकी यार इसके अंदर जो मटन है टेंडर है, बढ़िया से कुक किया हुआ है, और मैरिनेशन डिफरेंट है भाई इस बिरयानी में, फ्लेवर्स डिफरेंट आए मुझे। वैसे तो यार बाकी दोनों जगह की बिरयानी भी सॉलिड थी एकदम, बट मेरे टेस्ट बड्स को ना शादाब जी की बिरयानी पसंद आई ज़्यादा, और भाई मुझे ना पूरी पूरी फीलिंग आ रही है मेरी जो ट्रिप है ना हैदराबाद की बड़ी मज़ेदार होने वाली है, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाने वाला हूँ मैं आज। तो यार लिटरली मेरा day 1 था, अभी 4 और दिन है, आई थिंक इट्स गोना बी अमेजिंग, मज़ा आने वाला है। तो मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।